अली सिद्दीकी जी, आपका इस चैनल पे दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। एंड इनके बारे में अली बताया तो ये ऑलरेडी आईआईटी गुवाहाटी में ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है इसमें इनरोल्ड हैं, और इनके साथ हमने एक ऑलरेडी सेशन कर रखा था, उसमें बेसिक बेसिक बातें करी थी हमने, फॉर्म फिलिंग और ये सारा कुछ को लेकर के कैसे एडमिशन क्या प्रोसेस रहा था फर्स्ट टाइम में, वो उस पर डिस्कस करा था। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैथ टेस्ट जो हो रहा है इनका, ये किस तरह से हो रहा है, क्या डिफिकल्टी लेवल है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या सारा कुछ किस तरह से करना है, कैंपस एक्सेस को लेकर के क्या किस तरह से हम कैंपस एक्सेस करेंगे, ये सब सारा कुछ, और स्टडी को लेकर के कि स्टडी कैसे हो रही है, किस तरह से क्या पैटर्न है, कितने ड्यूरेशन का लेक्चर रहता है, क्या असाइनमेंट, क्या एग्जाम किस तरह से होना है, ये सब सारा कुछ को लेकर के और भी कुछ कुछ बातें हैं जो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो अली जी, आपका फिर से इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनंत फॉर इनवाइटिंग योर चैनल सेकंड टाइम। आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आप आए हो, बहुत बहुत धन मतलब स्वागत है आपका, सही बताएं तो देखिए, सबसे पहले तो अभी आपका कौन सा टर्म चल रहा है, कौन सा, या मतलब कि किस सेमेस्टर में हो या जो भी ट्राइमेस्टर चलता है अभी आपका, हमारा उसमें। सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ मई में थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मई में आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाना है ना। जी तो चलिए बढ़िया है, आपका अभी तक एक्सपीरियंस मतलब, आप सबसे पहले ये बताओ अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्सपीरियंस अच्छा है, जो फैकल्टी वो सब अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब कोई भी डाउट हो तुरंत सॉल्व करते हैं वो। हाँ सपोर्ट एकदम मतलब कैसा है आपके अकॉर्डिंग। सपोर्ट, हाँ सपोर्ट अच्छा है फैकल्टी, और फैकल्टी तो भी एक नंबर है। सारा कुछ जो पढ़ाते हैं वो लोग अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, या हेल्प लेना पड़ता है यूट्यूब का या कोई अदर सोर्सेस का। नहीं, फैकल्टी इतने अच्छे हो समझ आ जाता है सारा। अगर कुछ भी डाउट हो तो अपना उनका फॉर्म में, वो लाइव क्लास होती है उसमें पूछ लो। जो पूरा ओके कंटेंट वीक में पढ़ाते हैं उसको, फिर वो एक दिन लाइव क्लास रहती है उसमें क्लियर करते हैं सारे डाउट, समराइज करते हैं यही ना। उसको एंड पूरा ये समराइज। बताइए, लर्निंग का मोड क्या रहा है अभी तक, लर्निंग का मोड अभी तो लर्निंग ऑनलाइन ही है पूरा। इट मींस कि लैंग्वेज। लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि हमारे साथ फॉरनर्स भी है ना, तो उसकी वजह से हम हिंदी यूज नहीं कर सकते वो। ओ ये हिंदी थोड़ी सी भी नहीं, अगर सपोज करिए हाँ कोई स्टूडेंट इंडिया के हैं और वो हिंदी बोल रहे हैं तो हाँ क्या चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं, वो तो उनको मैनेज करना पड़ेगा, वो कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारे साथ 50% जो है हमारी डिग्री में फॉरनर्स हैं। हमारे साथ यूएस के बंदे हैं और कनाडा से हैं, पाकिस्तान से भी हैं हाँ चल जी, यूएई से भी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली जुड़े आप हुए हैं। फॉरेनर हो, ज्यादा होने के रीजन यही कि ये कोर्स जो है कोर्सेरा के थ्रू लाया जा रहा है, इसलिए यही रीजन हाँ में मुझे ज्यादा यही लगता है। अच्छा कोई नहीं, हाँ हर पोस्ट पोस्ट कर रहा है ना, जिसकी वजह से 50% ऑनलाइन है वो फॉरनर्स हमारे। तो ये ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो अभी तक अच्छा रहा, एंड कोई भी वैसा कुछ कंप्लेन वगैरह नहीं आया कि नहीं, सपोर्ट कोई टीम नहीं, को वैसा, मतलब कि वो लोग सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं ऐसा है ना। हाँ सपोर्ट अच्छा करते हैं वो तो। कोर्सेरा वाला टीम भी सपोर्ट करती है क्या। नहीं कोर्सेरा का कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ जो कोर्सेरा हमारे उसमें सब, मतलब हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये चल नहीं रहा ओके है, एग्जाम नहीं ओपन हो रहा है, तो सपोर्ट करते हैं। ओके तो हम ना अब मेन टॉपिक पे चलते हैं, ये बेसिक्स आपका एक्सपीरियंस रहा सारा कुछ। हाँ, एक और बात आप बता दीजिए साथ साथ कि डिफिकल्टी लेवल कैसी रही, लाइक अगर कोई स्टूडेंट जो 11 12 कंप्लीट करके वो ज्वाइन करते हैं तो उनको क्या क्या किस तरह से फेस करना पड़ सकता है, या और वो सारा कुछ नहीं कैसा। मैंने भी अपने 12th के बाद इस डिग्री को ज्वाइन किया, इसके साइड में मैं कुछ नहीं कर रहा, बस ये डिग्री कर रहा हूँ अभी तो। मतलब अब से अगर आप मैथ डिपार्टमेंट से हैं, मतलब पीसीएम था आपके पास, तो आप इसको डिग्री को अच्छी तरह कवर कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास स्टैटिक्स होगा और सेकंड में अभी हमारा लीनियर अलजेब्रा है, तो मतलब मैथ तो साथ नहीं छोड़ा है। हाँ जी बिल्कुल, और हाँ अगर जो आप दूसरे उससे है स्ट्रीम से, तो आपको दिक्कत हो सकती है। और दूसरे स्ट्रीम वाले कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मैथ तो उनका कंपलसरी होना ही चाहिए ना, आई थिंक मैथ हाँ कंपलसरी होना चाहिए ऐसा हाँ उनका मैथ, लिखा हुआ है हाँ हाँ तो। मैथ हाँ कंपलसरी तो होना चाहिए। अब ये बताइए, मैथ कंपलसरी की बात तो कर रहे हैं,
अपन, लेकिन एडमिशन का दो प्रोसेस है, एक जेई एडवांस और मतलब जेई के थ्रू, और एक नॉन जेई के थ्रू। तो नॉन जेई में मैथ का टेस्ट लेते हैं, तो मैथ का टेस्ट का क्या सीन है अभी तक? जैसे देखिए हम मैथ अप्लाई के कर टेस्ट दिए, को, हाँ मतलब हम वो अप्लाई किए। पूरे जी बोलिए। वो पहले वेरीफाई करते हैं आपका कि आप इसके लिए एलिजिबल हो कि ऐसे नहीं। करते हैं ना, सिंपल सा, कि हाँ देखिए हम अप्लाई किए हैं, और अप्लाई करने के बाद वो वेरीफाई वगैरह सारा कुछ करेंगे, हाँ उसके वो बाद का ट्वेंटी क्या फोर प्रोसेस आवर्स है? लेंगे वो कंप्लीट करने में, उसको वेरीफाई करेंगे। अगर जो आप उसके लिए एलिजिबल हो तो हाँ आपको जो पूरे वीक मतलब 1 मंथ का कंटेंट है ना, तो वो पूरा प्रोवाइड कर देंगे आपको क्या कैसे तैयारी करनी है। ओके, यानी कि जो मैथ का उसके लिए वो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे बिफोर, पहले हाँ आपको पेमेंट करना होगा 2,000 रुपये, ये क्योंकि वहां पे मेंशन हाँ था कि आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाता है तो आपको एक ईमेल आएगा हाँ पेमेंट का, पेमेंट कंप्लीट करते हो तो आपको जो है सारा कुछ मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा। तो उस मटेरियल में बेसिक होते क्या हैं? उसमें क्योंकि देखिए स्टैटिक्स आप, एक मिनट, क्योंकि आपसे ये पूछने का मेन रीजन हमारा ये है कि आपने खुद इस टेस्ट को दिया, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकोगे, दैट्स व्हाई। प्लीज आप बताइए अच्छे से। इसको अप्लाई करने, वो आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड जो मटेरियल में वीडियो होती रहता है वो क्या सब क्या है? मटेरियल में क्या क्या रहता है? आई थिंक मतलब मटेरियल में। सेट्स हो गया, सेट थ्योरी हो गई और प्रोबेबिलिटी हो गई और वो स्टैटिक्स। तो ठीक है, वो तो वेबसाइट पे मेंशन है कि हम ये टॉपिक देंगे, तो मटेरियल में जैसे कि वीडियो लेक्चर हो गए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ नहीं, क्वेश्चंस हो गए, वीडियो कुछ लेक्चर है ऐसे। वो सब, वीडियो लेक्चर ओके, वो वीडियो लेक्चर जो उस रिकॉर्डेड चैप्टर है रिकॉर्डेड उसी से मीडिया रिलेटेड है, सब। हाँ जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड है ना? हाँ 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 वो पूरा मैथ पूरा उससे रिलेटेड है। और जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्या सेम उसी टॉपिक के अंदर से आते हैं या कुछ इधर उधर का भी आ जाता है? नहीं सेम जो पढ़ाते हैं वो उसी में से पूछते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देते होंगे वो? हाँ प्रैक्टिस भी उसी में रहता है, ओके, असाइनमेंट रहता है उसमें। नहीं करना असाइनमेंट और ये सब करना कंपलसरी रहता है कि बस ऐसे ही नहीं प्रैक्टिस के लिए? कंपल्सरी नहीं, वो प्रैक्टिस के लिए सिर्फ प्रैक्टिस असाइनमेंट रहता है। ओके, तो चलिए यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं कि वो सारा कुछ मटेरियल दे दिए, और जब वो वंस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसके कितने दिन बाद एग्जाम वो कंडक्ट करवाते हैं, या कोई फिक्स डेट है कि हाँ हम इसी डेट को एग्जाम हाँ कंडक्ट करवाएंगे और ये सब सारा कुछ है? नहीं कोई फिक्स डेट होगी, वो उसी फिक्स डेट पे लेंगे वो। ओके, और वो फिक्स डेट हमें ही सेलेक्ट करना होगा? हाँ शायद वो हमें ही सिलेक्ट करना रहता है, मैं अभी कंफ्यूज हाँ हूँ उसमें। नहीं, हाँ सही है, वो लोग ना, एक आप ही बताए थे, वो आपका जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने बताया था कि हम ना, हमको एक डेट मिलता है अराउंड 20-25 या 20-30 दिन के बाद वाला कोई डेट हमको सेलेक्ट करना रहता है, या तो हाँ आप हाँ हो हाँ सके तो ऐसा बीस है। हाँ दिन का भी मैंने डेट एक सेलेक्ट मंथ कर सकते बाद, हो, हाँ, हाँ या तो आप एक मैंने एक महीने का मंथ भी बाद डेट वाली सेलेक्ट सेट कर की सकते हैं। डेट तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो शायद डेट मेंशन देगी उसमें। हाँ तो अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं, ये तो डेट सेलेक्ट करना हो गया, ये सारा कुछ हो गया। आप ये बताइए एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, और क्या किस तरह का एग्जाम का अप्रोच क्या है, मतलब किस तरह से एग्जाम वो ले रहे हैं? एग्जाम अभी मतलब जो हमारी प्रोग्राम में एग्जाम चल रहे हैं नहीं, ये मैथ का जो टेस्ट चल रहा है वो वाला? टेस्ट में, वो जो कंटेंट में पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन पूछते हैं वो। मैंने तो साथ में वो पढ़ रहा था, और एनसीईआरटी के 11th और 12th भी मतलब उसको रिवाइज कर लिया था। आपके अच्छे स्कोर आ गए थे एग्जाम में, हाँ नहीं यानी इसमें कि 40% ही तो कवर करना होता है एग्जाम में सिर्फ, और 40% से अबव आगे तो हमारा मोस्टली हो जाएगा सिलेक्शन। चांसेस बढ़ जाते, मतलब चांसेस हैं हो जाएंगे, अगर 40% से नीचे आए तो हाँ नहीं चांसेस है, क्योंकि हाँ उसके मिनिमम बाद, मिनिमम मार्क्स पार करना है 40%। हाँ, मिनिमम तो 40%। मतलब कितना कितना डिफिकल्ट है मिनिमम 40% लाना, कितना डिफिकल्ट है एज अ नॉर्मल स्टूडेंट या कुछ वैसा कुछ? नहीं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं। जो आप वीडियो कंटेंट को अच्छी तरह पढ़ते हैं, उसकी हो जाएगा? प्रैक्टिस करते हैं, हाँ वो हो जाएगा। ओके एंड हाँ, तो वंस आप 40% मार्क्स ले आते हैं तो आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, मतलब ये सब सारा कुछ करके। एंड हाँ चलिए ये तो ठीक है, एंड ये हम ये आपसे पूछना चाह रहे थे कि ये टेस्ट कैसे होता है, लाइक कैसे कंडक्ट करवाते हैं टेस्ट? टेस्ट ऑनलाइन ही मोड रहता है सब, कोर्सेरा वो करता है ना होस्ट, तो कोर्सेरा का हॉनर लोग से वो प्रोटेक्टेड करते हैं उसको, पूरा ओके, एआई के थ्रू वो प्रोटेक्ट करते हैं पूरा उसको। हाँ चीटिंग वगैरह का कोई सिस्टम रहता है नहीं चीटिंग क्या? नहीं कर सकते आप, पूरा वेबकैम भी इनेबल करवाते हैं क्या? रूम को स्कैन कराना पड़ता है फिर उसके बाद। नहीं वो एआई के थ्रू प्रोटेक्टेड रहता है ना, तो जिसके
आपको हर चीज दिखानी पड़ती है, और किसी पेन की भी आवाज होगी ना तो वो उसको एग्जाम को रोक देंगे। ओके ऐसा क्या, यानी कि वो मतलब वो एग्जाम के लिए वो सारा कुछ अपना एनवायरनमेंट सेटअप कर रख के रखे हुए हैं, वैसा कोई हाँ दिक्कत नहीं आने वाली। लिमिट सीट लिमिटेशन है ही है क्या, कितने नहीं, नंबर ऑफ सीट कैंडिडेट? लिमिटेशन बस 40% से अबव लेके आ गए तो आप चाहे जितने भी हो सबका थर्ड ईयर एडमिशन स्टूडेंट, होगा। आपको जो रहता है ना सवाल कि हमें कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होगा या एडमिशन हो जाएगा, 40% से ऊपर ले आइए इनका मार्क्स जो है एडमिशन हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है एडमिशन का, ठीक है एडमिशन का तो ऑलरेडी हमने और भी डिस्कस कर रखा है पहले, बट हम यहाँ पे थोड़ी सी ये मैथ का डिस्कस इसलिए कर लिए कि मैथ में थोड़ा सा आप लोगों को जानना जानकारी चाहिए था। हम ना अभी थोड़ी डिस्कशन वगैरह करते हैं कैंपस एक्सेस को लेकर के, तो कैंपस एक्सेस का क्या सीन है अभी तक जी? देखिए इस और ये देखिए, और आप लोगों को ये भी बता देना चाहूंगा कि बाद में फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है, वैसा कुछ है नहीं, अभी तक का क्या सीन है उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है तो क्या सीन है, आप मतलब अभी तक आप तो कैंपस में भी जा चुके हो, तो मतलब क्या कैसा रहा, और वहां पे स्टूडेंट का बिहेवियर मतलब वहां पे मतलब आपको लाइक समझ सकते हो ना कि आप ऑनलाइन वाले हो और वो ऑफलाइन वाले हैं, तो किस तरह से क्या रहा, तो नहीं, कुछ हमारी डिग्री का एक तो मोस्टली वहां के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता है कि ऐसी भी कोई डिग्री लॉन्च हुई है, ओके तो इतना वो नहीं है, तो अपना नॉर्मल लेते हैं सब, अपने अच्छे तरह अच्छे बंदे हैं सब वहाँ और ये जा अभी। कैसे रहे, कैंपस जा कैसे सकते हो कैंपस में ये बताओ पहले कैंपस तो। का जो वेबसाइट पे मेंशन है वो 4 वीक का कैंपस इमर्शन प्रोग्राम है वो, ओके बट जिसमें आप लाइब्रेरी वगैरह सब एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम कैंपस इमर्शन के थ्रू तो नहीं गए थे, मगर हम अल्चेरिंग का फेस्ट होता है गुवाहाटी का, ओके हाँ जिस तरह IIT मद्रास में पैराडॉक्स होता है, हाँ वो शायद BS वालों के लिए है ना। हाँ पैराडॉक्स VS वाले का जो उनका ये क्या मार्गरी है, नहीं सावन है कुछ है, कुछ तो है जो अच्छा उनका अच्छा सारंग है, सारंग जो उनका पूरा वो होता है, ऑफलाइन वाले के लिए भी होता है तो। नहीं, वहां पे बस वो ऑफलाइन वगैरह वो सब, शायद IIT गुवाहाटी का सबसे बड़ा होता है एशिया का फेस्ट एल शेयरिंग का, तो हम ओके उसमें गए थे। हमने 1 वीक वहां पर पूरा स्टे किया था, वहीं पे रूम मिला था सब कैंपस में, हॉस्टल वगैरह तो सारा हमने कुछ, अपना इट मीन्स कि आईडी आप कार्ड जो मिला वहां पे। है इट मीन्स कि आप ना मतलब किसी भी फेस्ट हो, कोई भी फेस्ट हो, कोई भी वर्कशॉप हो या कुछ भी वैसा कुछ हो, तो उसको अटेंड करने के लिए हाँ आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हाँ आने वाला। आईडी कार्ड दिखाओ, सिंपली इंटर कर जाओ। अपना आईडी कार्ड आईडी कार्ड दिखाने के टाइम दिखाओ। वो कुछ गार्ड वगैरह जो था, कुछ मतलब थे जो गार्ड वगैरह गार्डिंग कर रहे थे, मतलब जो भी कंफ्यूजन तो होता कुछ है ना, पूछे खुद थे को अभी क्या? नहीं पता है, एक दो गेट पे मालूम है शायद उन्होंने बोल रखा है, लेकिन काफी गेट है ना, तो उससे जाओगे तो किसी को नहीं पता है तो वो पूछेंगे। एंड जिनको मालूम है वो क्या मना करते हैं नहीं जाना है? नहीं, वो बोलते हैं ठीक है चले जाओ, ओके यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ऐसा नहीं है कि कैंपस में आप विजिट नहीं कर सकते, आप उसी पर्टिकुलर टाइम पे जाएंगे, नहीं, आप कभी भी जा सकते हैं, कभी भी कैंपस घूम सकते हैं। हाँ बट वही कि वहां पे रह नहीं सकते, स्टे नहीं कर सकते, और मतलब वो हाँ, बस डिपेंड स्टे करता है नहीं ना कर सकते ना आप, वहाँ पे, पढ़ाई नहीं मतलब तो वो हमारी एंड ऑनलाइन ही है। वो डिपेंड करता है ना, अगर आप वहां पे एज अ स्टाफ जा रहे हो या कुछ वैसा कर रहे हो या वहां पे इंटर्न हायर हुए हो, तो वो तो उनका अपना अलग कंडीशन है, बट ये है कि ऑनलाइन वाले डिग्री वाले को ना हॉस्टल मिल रहा है ना कैंपस में रहने का भी फैसिलिटी है यार, ऐसा कुछ नहीं है अभी, बट हाँ कैंपस विजिट कर सकते हो किसी भी पार्टिसिपेट मतलब किसी भी इवेंट में, और ये सब जितना भी जो भी कुछ हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, यही सिंपल था ना। और ये कैंपस इमर्सन जो प्रोग्राम आप बताए 4 वीक का, वो क्या है जी, वो समझ नहीं आया हमें। उसमें जैसा अभी आप ऐसे जा सकते हैं, कैंपस में विजिट कर सकते हैं, आपको लाइब्रेरी नहीं एक्सेस होगा, ओके और बहुत सारी फैकल्टी फैसिलिटीज हैं वो आपको एक्सेस नहीं है, लेकिन लाइक आप जैसे जब लैब, कैंपस इमर्शन के थ्रू जाएंगे तो आप सब चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ के लैब्स भी जो हाँ, अच्छे वहाँ अच्छे पे लैब्स कंप्यूटर्स हैं वो भी, हैं। हाँ, जो वहाँ का फास्टेस्ट कंप्यूटर है शायद परम ऐसा सा कुछ है, वो उसको यूज कर सकते हैं, ओके ग्रेट। एंड तो और यही है इंटर्नशिप कैंपस। वगैरह डिस्कस कर सकते हैं वहां पे जब जाएंगे, उसका जो प्रोग्राम होगा। तो ये बताइए ना कि ये जो 4 वीक है वो पूरे पूरे इंटायर ड्यूरेशन में है कि कभी हर एक मतलब हर एक साल 4 वीक? नहीं, पूरे एंटायर ओके डूरे उसका डिग्री का, वो कोई नहीं, अभी चलिए वेरी ओके। कर सकता है, वो अभी शायद उसको एक्सटेंड कर दे, कुछ 2-4 वीक और बढ़ा दें। हाँ, हाँ वो तो करेंगे। और ये इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप का क्या बता रहे थे आप? इंटर्नशिप जैसे कैंपस इमर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप इंटर्न के लिए डिस्कस कर सकते हैं, ओके वो हाँ आपको तो गाइड बहुत भी करेंगे।
और अलग से तो इनका सपोर्ट सेल वगैरह ये सब सारा कुछ तो होगा ही, या तो बना ही रहे होंगे। आई नहीं, थिंक कोर्सेरा अपना खुद एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो भी सपोर्ट करेगा ना। ओके, कोर्सेरा भी तो है ही। चलिए ठीक है, तो उस प्लेसमेंट और ये सब को लेकर के अभी तो बहुत टाइम है, मतलब अभी तो टाइम लगेगा, और सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आईटी गुवाहाटी भी अपने तरफ से रेडी है, कोर्सेरा भी रेडी है, तो ठीक ही रहने वाला सीन। चलिए कोई नहीं, मेन बात करते हैं स्टडी के ऊपर, क्योंकि क्योंकि स्टडी इंपॉर्टेंट है। जैसा स्टडी रहेगा वैसा ही प्लेसमेंट होना है क्या जी? तो बताइए कि स्टडी कैसा है, स्टडी का सिस्टम कैसा है, मतलब लेक्चर्स आपके कैसे मिल रहे हैं, वीक वाइज मिल रहे हैं, महीने वाइज मिल रहे हैं, या पूरा कैसा, किस तरह से आ रहा है? वीक वाइज हमें कंटेंट मिल रहा है अभी तो, क्योंकि है वीक ना वाइज रिपोर्टेड। कंटेंट मिल हाँ, रहा। हमारा फर्स्ट ईयर है और डिग्री भी अभी लॉन्च हुई है, तो वो वीडियो को रिकॉर्डेड कर रहे हैं, तो हमें वीक वाइज मिल रहा है। आगे का पता नहीं, मैं बता नहीं सकता कैसे करेंगे, वो भी लेकिन वीक अभी वाइज हमें ही वीक देंगे, वाइज। वीक वाइज ही हाँ देंगे। कोर्सेरा पे हमने भी कुछ कोर्सेज करे थे फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, तो वो वीक वाइज ही देते हैं आई थिंक, हमने देखा था, तो वीक वाइज ही ज्यादा ठीक रहता है। अच्छा कोई नहीं, वो तो चेंज होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो सारे लेक्चर रिकॉर्डेड आपको मिल रहे हैं, ठीक है, वीक वाइज मिल रहे हैं। हाँ, उसको फिर समराइज करने के लिए लाइव क्लासेस रहती है मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस होती हैं, किस ड्यूरेशन, हाँ, किस किस टाइम में होती हैं? मोस्टली वो इवनिंग में रहती है मोस्टली। इवनिंग में। कितनी ड्यूरेशन हो सकती है उस क्लास की, मैक्स टू, मतलब मीन और मैक्स, ऐसा कुछ रहता है कि नहीं, जब तक डाउट है तब तक चलेगी क्लास? नहीं, उसका शायद 1 आवर, शायद मतलब 1 आवर की चलती है। और ये क्या उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे डाउट इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके ऐसी बात, हाँ दो डाउट एक्सटर्न, और वो रिकॉर्डेड भी मिल जाती है क्या? हाँ, रिकॉर्डेड भी, उसको रिकॉर्ड, जिसको जो लाइव नहीं देख सकते वो अपना रिकॉर्डेड देख सकते हैं उसको। और तो बेसिकली ये है कि मतलब कि आपको 1 वीक का कंटेंट प्रोवाइड कर दिया गया, वीक स्टार्ट के, मतलब वीक स्टार्ट होने के टाइम, एंड उसके बाद जो है आपको जो है क्या बोलते हैं, आपको जो है लाइव सेशन लेकर के उस लेक्चर को समराइज करा दिया गया, उसमें जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो, और ये सब सारा कुछ इस तरह से चलता है आपका लेक्चर का सारा शेड्यूल, यही ना? तो ये तो हो गया कि आपकी लाइव क्लासेज और ये कैसे चलती है। तो आप ये बताइए कि क्लासेस जो आती है रिकॉर्डेड आती है, ठीक है, लेकिन उसमें असाइनमेंट का क्या सीन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये सब सारा का क्या सीन है? जो प्रैक्टिस असाइनमेंट रहे तो जो वीक वाइज कंटेंट मिलता है उसी के साथ रहता है, और एग्जाम हमारे जैसा आपके आईटी मद्रास में ऑफलाइन रहते हैं, हाँ इसमें सिर्फ वीक वाइज जो असाइनमेंट मिलते हैं वो उसी को ग्रेडेड असाइनमेंट के थ्रू यूज करते हैं। तो बहुत बड़ा अपडेट है ये, हो सके ये फ्यूचर में चेंज होगा, आई डोंट नो, हम हाँ, लोग अगर जो कंफर्म ऑफलाइन नहीं है, करते हैं वो एग्जाम के लिए है। बट ये है कि यहाँ पे ना जो ग्रेडिंग असाइनमेंट मिलता है उसी के अकॉर्डिंग पे सीजीपीए सारा कुछ कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पे ना एडिशनल सेमेस्टर एग्जाम देने की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, अभी तक। इन फ्यूचर में चेंज होगा तो वो अलग बात है, बट अभी ये हाँ, अपडेट वो है हो सकता कि है, देखा जाएगा सारा अभी कुछ तो। ग्रेडेड असाइनमेंट से ही हो जा रहा है। तो ग्रेडेड असाइनमेंट इंपॉर्टेंट रह रहा है, तो ग्रेडेड असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि बताइए ग्रेडेड असाइनमेंट रहते कितने हैं? जो ग्रेडेड असाइनमेंट एक मिलता है ना, एक जो ट्वेल्व ट्राइमेस्टर की बात कर रहा हूँ, वीक एक का कंटेंट ट्राइमेस्टर में। मिलता है, मतलब हाँ जी, हमारे ट्वेल्व जो वीक एक में, सेमेस्टर होता है 12 वीक का होता है, जी बिल्कुल 12 वीक में वो 24 असाइनमेंट ग्रेडेड असाइनमेंट रहता है। 24। मतलब एक वीक में वो 2 असाइनमेंट रहते हैं ग्रेडेड असाइनमेंट, सॉल्व जिसमें से कितने करने एक होते हैं? कैलकुलेट होगा, ओके, एक यानी यानी कि 24 में 12 ही आपको आपको जो क्रेडिट, है ग्रेडिंग आपका देगा। ऐसा 2 असाइनमेंट है, दो में से आप ये तो फिर एक मिस कर दे या आप एक को अटेंड नहीं कर पाए तो आप एक को दे सकते हैं दूसरे वाले को, मतलब सपोज जो करिए काउंट होंगे ओवरऑल वो 10 काउंट होंगे 10 वीक के। 10 वीक के काउंट होंगे, तो ऐसा है क्या कि सपोज करिए हम फर्स्ट 5 वीक में असाइनमेंट एक भी अटेंड ही ना करें, अपकमिंग 5 वीक में हमने टोटल दोनों असाइनमेंट मतलब कर लिए, तो क्या हमारे 10 के 10 असाइनमेंट काउंट होंगे या केवल 5 ही काउंट होंगे? नहीं, 1 वीक का 5 ही काउंट होंगे वो। ओके, यानी कि ऑप्शनल है आपके पास कि 1 वीक में अगर आप 2 असाइनमेंट को मिल रहा है तो आप कोई एक करना कंपलसरी है, या तो आप कर सकते हो हाँ, दोनों, ये ना और हमारे अगर साथ वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके पास जैसा वो टाइम नहीं या किसी ट्रेवल की वजह से मिस कर दिया तो आप दूसरा असाइनमेंट यूज कर सकते ओके, और जो दोनों में बेस्ट स्कोर रहेगा उसको कंसीडर कर लेंगे हैं। फॉर अ हाँ, जो ग्रेडिंग। बेस्ट स्कोर रहेगा उसको काउंट करेंगे, अगर जो आप दोनों देते हैं कितने तो बेस्ट स्कोर का काउंट करते हैं। कितने 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 क्वेश्चंस और कितने रहते होंगे एक असाइनमेंट में?
मैक्सिमम 10 रहता है, नहीं मिनिमम 10 रहता है, मैक्सिमम तो वो एक्सटेंड कर देते हैं हाँ जी बिल्कुल। इसे कंटेंट। तो ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि बिना एग्जाम का ही सारा कुछ कर दे रहे हैं, ग्रेडिंग वगैरह सारा कुछ कर दे रहे हैं। नहीं वो एग्जाम वही सेम है बिल्कुल, बस ये है ना आप एक बार देते हैं, हम उसको हर वीक देने पड़ते हैं। नहीं तो आप अगर आईटीएम से इसको कंपेयर कर रहे हो तो आप जैसा कह रहे हो ना वो वैसा भी और भी है। हम अपना अगर आपको आईटीएम का बताएं तो हर एक वीक का भी असाइनमेंट सबमिट करना रहता है, 4 वीक में एक एग्जाम भी देना रहता है सेंटर पे जा करके। और अगर असाइनमेंट का स्कोर मिनिमम 40% नहीं हुआ ओवरऑल 10 असाइनमेंट का, तो आपको फाइनल एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो आप फेल हो जाओगे, फिर से रिपीट करो उस कोर्स को। तो थोड़ा सा डिफरेंट ज्यादा है आपके मतलब आपसे, ठीक है। तो ये तो रहा कि आप असाइनमेंट दे करके ही सारा कुछ कर ले रहे हो, तो असाइनमेंट में तो मतलब वैसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं ही नहीं, मतलब डेडलाइन रहता है ना उसका भी, असाइनमेंट का हाँ डेडलाइन डेडलाइन है तो उसका, वरना आके वो ओवरड्यू हो वन जाता वीक का है। ही डेडलाइन रहता है क्या, कि कुछ ज्यादा दिन का रहता है, या कुछ मतलब कुछ कैसा रहता है डेडलाइन के बाद? नहीं उसमें टाइमिंग रहता है, जैसा हमारा जो मॉर्निंग में रहता है 7 बजे, आपने उसको मिस कर दिया तो मिस हो गया वो 7 बजे के बाद। आप उसका टाइमिंग है जो अलजेबरा, लीनियर अलजेबरा है, उसका टाइमिंग है मैथ 30 मिनट्स, तो मॉक आप टेस्ट थर्टी के मिनट्स के बाद जैसा। उसको यू नहीं कर सकते दोबारा से देंस का। ओह ग्रेट, इट मींस कि हमारे में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे रहते हैं जिसको टाइम्ड असाइनमेंट बोलते हैं, वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे ओपन होगा, और उस पर्टिकुलर टाइम में आप अटेंड नहीं किए तो आप गए, आपका नहीं हुआ, ऐसा है ना? हाँ ऐसा ही है, सेम है। तो और इसके लिए डेट जो डेट रहता था जो डेट रहता होगा वो तो पहले अनाउंस किया जाता होगा, या डेट शीट आपको प्रोवाइड करा जाता होगा, या कुछ वैसा कुछ? हाँ उस पे नहीं, वो सामने मेंशन रहता है कोर्स चेहरा के, जब आप उसको ओपन करते हैं अपने पोर्टल को। हाँ यानी आपको आपको पूरी जानकारी वगैरह सारा कुछ रहती है, ठीक है। और ये वो आउटलुक का रिमाइंडर भी डाल देते हैं। अच्छा बढ़िया करते हैं, क्योंकि ये चीजें ना भूलने वाली हो जाती है कि असाइनमेंट कब है, और अगर 30 मिनट या आधा घंटे के लिए ओपन हो रहा है तो दिक्कत थोड़ी सी क्रिएट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। और और सैटरडे प्रैक्टिकल टू और संडे ये में सब, हमारी लैब रहती है। लैब हाँ ये लैब के बारे में भी हम पूछना चाह रहे थे, क्या है लैब का क्या सीन है जी? का वो प्रैक्टिकली कराते हैं, जैसा अभी पाइथन हो गया, पाइथन को वो पहले तो वीडियो कंटेंट में पढ़ाएंगे पूरे वीक का, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं लैब में। 4 4 आवर की लैब रहती है संडे में। ओ, और उसमें वो प्रैक्टिकल करके सारा कुछ दिखाते हैं, सिखाते हैं, करना सिखाते हैं सारा कुछ लाइव। जो अभी IIT गुवाहाटी में जो PhD वगैरह कर रहे हैं वो उनको लेते हैं स्टूडेंट्स को, मतलब जो वहाँ के स्कॉलर हैं वो पढ़ाते हैं, वो अपना एडिशनल भी पढ़ाते हैं वो ओके, इट लैब में, मीन्स कि जैसा उसमें, लाइब्रेरीज हाँ उसमें प्रैक्टिकल, पढ़ा देंगे और कैसे यूज करना है वो सब पढ़ाते हैं। और वो इम्पोर्टेंट अटेंड करना का, उसका रिकॉर्डर भी, उसका भी रिकॉर्डर रहता होगा। हाँ रिकॉर्डेड रहता है लेकिन लाइव में आप डाउट पूछ सकते हैं, ओके, सबसे प्लस पॉइंट यही है। लाइव अटेंड करना कंपलसरी रहता है। अटेंडेंस का भी कोई रूल हाँ सी कोई सीन है क्या जी हाँ अटेंडेंस का? 70 75% आपको अटेंडेंस का लाइव भी में। सीन है 75%। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल होंगे वो लाइव कैसे अटेंड करेंगे, उसका उनका अटेंडेंस का क्या है, मतलब कुछ आइडिया है आपको? वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं ना। तो रिकॉर्डेड देखने से भी अटेंडेंस कंप्लीट होते हैं, इट मीन्स की हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए कोई ना क्योंकि कोई उपाय 4 आवर की है। क्लास है तो मोस्टली जो है ना उसको छोड़ देता है। हाँ जाहिर सी बात है, 4 आवर कौन बैठा रहेगा, मतलब बैठते हैं लोग ऐसा नहीं है, बट बहुत ही डिफिकल्ट काम है 4 आवर तक बैठ करके, उसको लेकिन कंप्लीट करना है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया लैब वगैरह के बारे में, तो ये केवल पाइथन में ही चल रहा है या सभी सारे सब्जेक्ट में होते हैं, जैसे मैथ? हमारे 2 सब्जेक्ट में जिसके लैब चल रही है तो कंप्यूटर सिस्टम हो गया और पाइथन। आपको वीक वाइज जो कंटेंट आते हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या रहती है, और उसको कंप्लीट आप कितने टाइम में कर लेते हो? नहीं अगर जो आप अच्छी तरह पढ़ते हैं तो डिफिकल्टी आपको बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वो टीचर इतने अच्छे हैं, वो सब ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं उनको, मीन्स टीचर बहुत अच्छे हैं, और फिर भी ना सपोर्ट समझ बहुत आए अच्छा तो है। आप उसको जो लाइव क्लास रहती है आप उसको डाउट को क्लियर कर सकते हैं। टाइम कितना लगता है जी एक वीक का कंटेंट कंप्लीट करने में, एक सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट एवरेज, का एवरेज 3 आवर्स। 1 वीक का कंटेंट पूरा हाँ 1 वीक का इंक्लूडिंग कंटेंट विद पूरा। असाइनमेंट? हाँ नहीं असाइनमेंट आप अगर जो आपको डाउट है तो उसको
पहले डाउट क्लियर करोगे, उसके बाद असाइनमेंट को करोगे ना। हाँ जी, ये तो बात तो सही है। तो मतलब 3 से 4 आवर में आप 1 वीक का कंटेंट कंप्लीट कर ले सकते हो। ओह ग्रेट। और ये एक टर्म में आपके कितने सब्जेक्ट कितने रहते हैं? एक टर्म में हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे अभी मेरे ओके पास लीनियर अलजेब्रा, कंप्यूटर सिस्टम, डेटा साइंस एंड पाइथन है। पाइथन का भी आप 1 वीक का कंटेंट कितने देर में निपटा लेते हो? मतलब यही है, सेम लगता है टाइम तो, बस ये ना असाइनमेंट में इसको करने में और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिस करना, उसमें टाइम तो आप अपने ऊपर हाँ डिपेंड जी करता है। बिल्कुल 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 जी। तो ऑलमोस्ट तो हो ही गया स्टडी से रिलेटेड भी। स्टडी से रिलेटेड और ज़्यादा कुछ तो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता है। एंड आपको कुछ ऐसा है जो स्टडी से रिलेटेड है जो आप जो आपको लगता है बताना चाहिए, या कुछ वैसा जो हम आपसे पूछना भूल गए हैं, आप प्लीज़ बता दीजिए थोड़ा सा उसके बारे में। नहीं बस यही है कि आपको जो टीचर फैकल्टी वगैरह उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सब इतने अच्छे हैं, सब इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप इसमें इजीली एडमिशन ले सकते हैं, बस यही है। ओके एंड कोई अभी अभी तक तो कोई वैसा दिक्कत क्रिएट नहीं हुआ है ना? नहीं अभी तक तो कोई नहीं, आगे देखते हैं जो भी होगा। और अभी तक तो वही वही फर्स्ट बैच ही हैं, तो प्लेसमेंट वगैरह हाँ का अभी भी हमारा कुछ फर्स्ट बात नहीं कर वो सकते इम्प्लीमेंट हैं, कर रहे हैं। इंटर्नशिप का भी बात नहीं कर सकते हैं, बट देखते हैं। ये जो है ये लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं इस डिग्री को, और मैं मानता हूँ ऐसा कि ये सबसे पहले जाने वाले हैं प्लेसमेंट में, प्लेसमेंट सेल वगैरह ये जो ही होने वाला है जल्दी ही पहुंचेंगे, एंड सही में जल्दी पहुंचेंगे। एंड इनसे फिर से दोबारा सा ये सारा कुछ पूछेंगे, कैसा रहा, क्या रहा, क्या है, किस तरह से एक्सपीरियंस रहा। जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। एंड अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कोई टिप्स जो आप देना चाहते होंगे, अगर कोई न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए? ये कि आप अपना जो वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उसको अच्छी तरह रिवाइज करें, उसको उसकी प्रैक्टिस करें, उसके असाइनमेंट करें, और फिर एडिशनल चाहे तो आप एनसीआरटी को रिवाइज कर सकते हैं 11 अगर 12। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताया। एनसीआरटीज तो है ही, ठीक ही है, अच्छी है, अच्छी चीजें हैं, पढ़नी ही चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगा था अगर आप बता, मतलब डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ वो आइडिया सब है? वेबसाइट पे मेंशन है, वो सब बस बस वही वेबसाइट सुना। पे मेंशन है। और भी कुछ एडिशनल जो आपको बताने लायक लगता हो? वैसे तो सब बता दिया अभी, बस यही है कैंपस का रहता है, कैंपस में उनको 4 वीक का लिख रखा है, आप उसको जो एलचेरिंग का फेस्ट होता है उसमें जा सकते हैं, किसी भी फेस्ट में एंजॉय कर सकते हैं आप। जाइए मजा करिए एकदम। हम तो तो एक बस वीक रुके थे, 1 वीक हाँ का तो जी उन्होंने मेंशन कर रखा है। ओके। आपने तो वो हम कर लिया अभी। फेस्ट जो स्टार्ट होना था वो 7 तारीख से स्टार्ट होना था, हम 5 तारीख में पहुंच गए थे 2 दिन पहले। हाँ फिर भी आपको एंट्री मिल गई थी, रूम वगैरह ये सब बात ना प्रोवाइड किए गए। आईटीएम से थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे। अगर आईटीएम में 30 को फेस्ट तो स्टार्ट होना है, आपको 30 को ही मिलेगा एंट्री, नहीं तो आप जा सकते हो बट रहने को नहीं देंगे वो लोग। कहाँ रहोगे, नहीं घूमते रहो इधर से उधर। ज्वेल चेरिंग को होस्ट करते हैं वो सब अच्छे थे, तो सबने हेल्प की तो हो गया। हॉस्टल वगैरह का फी भी पे करना होगा, पड़ा होगा ना? हाँ उसको फी पे करने पड़ा, वो कितना मेरी फी हो रहा होगा? आई थिंक अराउंड पर डे का उन्होंने 400 चार्ज किया, कम ही किया, गजब, बड़ा सस्ता जो किया। मैस्क वगैरह था वो अपना अलग से से रिकमेंड था करते हैं। वो, तब तो ज्यादा ही किया चार्ज। चलो कोई नहीं, सबका अपना अपना अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं। एंड अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा, एंड ट्राई करेंगे इनसे वो सारी क्वेश्चंस क्लियर करने की, एंड आपको जल्दी से जल्दी वो जो सारा कुछ है उसको जो प्रोवाइड कोई करने की क्वेश्चन होगा कोशिश तो मैं करेंगे। आपको अपनी ईमेल वो दे दूंगा, अपनी इंस्टाग्राम आईडी, तो आप उसको मेंशन कर देना, हाँ जी बिल्कुल, उसको हाँ पूछ इनको सकते डायरेक्टली हैं। भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, एंड आप इनको डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू अनंत।